मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमानी बुंदेला, एट प्रेजेंट केंद्र विद्यालय नंबर 1 आगरा में टीचर, साथ ही 2021 में कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 की फर्स्ट करोड़पति विनर, और साथ ही 3 times नॉमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट आइकन बाय इलेक्शन कमीशन। 2012 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, विजन लॉस हुआ, तो सोसाइटी में परसेप्शन चेंज हुआ, मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। फर्दर स्टडी के लिए जब लखनऊ गए, वहाँ से कम्युनिकेशन के बाद पता चला कि बच्चों को मैथ्स नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो उसी दौरान 2017 में 16 अक्टूबर को जब मेरी केंद्रीय विद्यालय संगठन में जॉब लगी, उसी से पहले मैंने डिसाइड कर लिया था जब मैं 18 ईयर्स की थी 2014 में, कि अब जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, दिव्यांग जन को मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करना और इंक्लूसिव एजुकेशन को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करना और अवेयरनेस स्प्रेड करना सोसाइटी में। ये मुहिम मेरी चली रही थी सोशल मीडिया की हेल्प से, यूट्यूब चैनल की हेल्प से। उसी दौरान मैंने फ्री कोचिंग देना शुरू किया, और जिसमें से आज मेरे 5 students अपनी अलग अलग सर्विसेज में, गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी सर्विस दे रहे हैं। सिन 2021 में जब मैंने KBC विन किया, तो फील हुआ कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं मुझे सुनना, मेरे संग फोटो क्लिक कराना चाह रहे हैं। मैंने कहा यस, दिस इज़ ए करेक्ट टाइम जहां मैं हमारी दिव्यांग कम्युनिटी को और भी बूस्टअप कर सकती हूं, और वो स्प्रेड अवेयरनेस वाला जो काम था वो ग्राउंड लेवल पर कर सकती हूँ। तभी मार्गदर्शन हुआ डिविजनल कमिश्नर श्री अमित गुप्ता जी का, उनकी मैडम का, और उनके सहयोग से मैंने 2022 में अपने सारा समर वेकेशन 40 डेज का, और स्कूल के बाद जाकर बहुत सारे कैंप हम लोगों ने आयोजित किए। साथ ही मुझे जितनी भी छुट्टी मिलती थी, सेकंड सैटरडे, संडे या कुछ गवर्नमेंट जो हॉलीडेज होते थे, सब मैंने उसमें यूटिलाइज किया, और उसका आउटकम ये रहा, हमने 75 न्याय पंचायत लेवल पर जाकर इंटीग्रेटेड कैंप ऑर्गेनाइज किए, जो कि आगरा के लिए हिस्टोरिक कैंप थे। इस बीच हम लोगों ने 5,000 दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स का काउंसलिंग किया, और यूनिसेफ का हमको पूरा सपोर्ट मिला। साथ ही हमारी अटेंडेंस जो 59% थी, अब वो हमारी 79% जा चुकी थी, और 250 स्टूडेंट्स वो थे हमारे जो 2-3 years से स्कूल से ड्रॉप आउट किए हुए थे, अब वो मेन स्ट्रीम से कनेक्ट हो गए थे, स्कूल जा रहे थे। जिनको स्किल डेवलपमेंट का नीड था, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था करी, और इस मिशन के आउटपुट को देखते हुए इसका एक्सपेंशन आगरा मंडल में कर दिया गया, मथुरा मैनपुरी फिरोजाबाद में, और साथ ही मैंने हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे हम जमीनी स्तर पर लागू करें, एक नई प्रोजेक्ट आशा के नेम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और इसको देखते हुए श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश जो थे, उन्होंने 2023 में मुझे ब्रांड एम्बेसडर के लिए मार्क कर दिया उत्तर प्रदेश की,